आज हम निकले हैं वो देखो वहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सनसेट सनराइज हो रहा है। सनराइज तो हमने मिस कर दिया एक्चुअल, बट ये जो क्लाउड्स की वजह से वी मस्ट स्टिल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। तो बैठो वंदू जल्दी, वंदू बैठो जल्दू। सो वेयर राइट नाउ वॉचिंग वॉकिंग टुवर्ड्स द सी व्यू पॉइंट एंड सनराइज अभी भी ठीक ठाक ही दिख रहा है बिकॉज क्लाउड आ गए, बट यार अच्छा उससे सी के अक्रॉस सनराइज दिखता था वो अमेजिंग होता जो हमने आधा घंटा पहले मिस कर दिया। अभी आपको बताता हूँ ट्रेजेडी जो वंदना के साथ हुई है कल जब शाम को आप लोग, तो वंदना सुपर सुपर डुपर एक्साइट हो गई थी क्योंकि इसने वो जो स्टोन्स जिसको हम स्टोन्स कह रहे थे वो बहुत ही अमेजिंग से देखे जिसमें डिज़ाइन इतने अमेजिंग बने हुए थे एंड शी वाज लाइक कि भाई साहब बोरा भर के लेके जाऊँगी घर। शी वाज लाइक कि हमारे से 13 किलो ही हुआ है, 2 लोगों का जो अभी तक वेट है, तो हम लोग मैं पक्का पूरा भर भर के ले जाऊँगी पत्थर। एंड मुझे तब ये डाउट आ रहा था कि यार अगर इतने नवान इस टाइप के स्टोन्स हैं तो व्हाई डोंट वी सी दीज यू नो स्टोन्स एल्सवेयर। हाँ हर कोई आता है अंडमान। आई वाज स्टिल प्लानिंग कि भाई कल कैसे मैं कलेक्ट करूँगी, कैसे इकट्ठा करूँगी इतने सारे। तो शाम को जब हम पहुँचे वापस कमरे तो शी जस्ट हैपन टू सी अ वीडियो ऑन अंडमान एंड वी केम टू नो कि ऑल दीज स्टोन्स आर एक्चुअली द कोरल्स ऑफ अंडमान एंड इट इज़ नॉट अलाउड to take any of them with you when you move out. It is checked properly and if you get caught there's a punishment or something, but yeah you can only see them here, only feel them collect here, them here but not take it away from and you take photographs, do all those things, but you cannot take them along with you. Yeah, so sad story. So ab hum aayenge, dekho look at this guys, sunrise to miss kar diya but then this cloud ke piche sun hai, bahut hi amazing lag raha hai. And this entire view is looking very good and we are the only ones over here. निकल रहे हैं सनराइज पॉइंट से, हमने सनराइज तो स्टिल इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल बट हमने मेन सनराइज मिस कर दिया, तो हम प्लान कर रहे हैं कल फिर से हम यहीं पे आएंगे सो दैट वी कैन कैप्चर द एक्चुअल सनराइज, बिकॉज इफ यू गाइस कैन सी द एक्चुअल सनराइज हाउ इट वुड बी, बिल्कुल जो जहाँ तक आपको ओशन दिख रहा है, सी दिख रहा है, उसका बिल्कुल एज से सन ऊपर आएगा, इट शुड लुक अमेजिंग। ये हेलमेट से ज्यादा क्यूट लग रही है ना। हाँ। अच्छा हेलमेट दिया उसने, उसने मुझे ये भी बोला कि अगर एक भी स्क्रैच लगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। नाइस, लेट्स नाइस। सो गाइस हम लोग अभी निकले हैं अपने रूम से, ये जो शेड है जो आप देख रहे हैं इट्स लुकिंग कूल राइट, ये हमने लिए थे बाली में एंड वंदना का भी दिखाऊंगा सिमिलर, वंदना का भी है। तो दीजा दी शेड जो हमने बाली में लिए थे यूज़ नहीं किए थे अभी तक, और फर्स्ट टाइम बाली के बाद 4 साल के बाद ये निकले हैं और अभी यूज़ हो रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर आर ब्रंच एंड ब्रंच हम करेंगे न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट में, मैंने सुना है ये काफ़ी अच्छा है स्पेशली फॉर सी फूड, तो वहाँ जाएंगे एंड उसके बाद लोकल शॉपिंग करेंगे वहीं, एक समुद्री का एम्पोरियम करके है जहाँ पे आप सुविधा शॉपिंग वगैरह कर सकते हो एंड उसी इलाके में घूम फिर के देन विल कम बैक टेक रेस्ट एंड शाम को हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे चिड़िया टापू बीच पे, जैसे काफ़ी दूर है उसका ड्राइव मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ जाएंगे फॉर विटनेसिंग द सनसेट। बाय गॉड बेब को देखो, अभी तो बोल रहे थे शेख की बीवी लग रही है, आंटी लग रही हो करके, दुबई की, दुबई की शेख की बीवी लग रही है। तो गाइस ये दिस इज द सेंट्रल एरिया, ओ पानी बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कल रात को आए थे सेलिब्रेट, ये मेंटेन है ऊपर आसपास के 11 बज गया है। आई लव पोर्ट प्लेयर लिखा है, ये पोर्ट प्लेयर का नाम चेंज नहीं किया अभी तक, नहीं किया, हो जाएगा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी इन द न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट, द फेमस न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट। ओ लुक एट दिस, पहली बार ही देख रहा हूँ मैं तो इसको, अभी खाने बहुत टेस्टी होता है। और ये क्या है, ये फिश है, इसमें वो नहीं होता, इसमें वो कांटे तो नहीं होते, सिंगल बोन होता है, कम होता है बहुत। ओके
एंड ये दोनों लॉबस्टर्स हैं, ये लॉबस्टर है, ये आपका टाइगर प्रॉन है, किंग प्रॉन। अच्छा ओके ओके, तो एज ऑफ नाउ अभी ये तीन ही अवेलेबल है, तीन अवेलेबल है और लाइव क्रैब है, इट्स फ्री। क्रैब देखते हैं, देख तो लेते हैं। अच्छा इसी से कट करता है ना वो ऐसा? हाँ अरे दांत है, प्रॉपर दांत है, देखो उसके इसके बीच में देखो ना, जैसे हमारे दांत नहीं है वैसे, कट नहीं कर पाते मतलब। हाँ हाँ ले ले, आता है दूसरा का क्या? अच्छा प्लेट, एक प्लेट हम प्लेट के हिसाब से देते होंगे ना? नहीं फुल एंटायर लॉबस्टर इज योर। तो नहीं नहीं दोनों तो खा नहीं पाएंगे, इतना कहेंगे फिश ही खाएंगे दोनों। थाउजेंड टू हंड्रेड, ये कौन सा डोराडो फिश? ओके बाकी ये तीनों वही है ना, सेम ही है ना? तो ये खाली स्नैक टाइप हो जाएगा, और एक प्रॉन कर दो ग्रेवी के साथ, और साथ में रोटियाँ। Same ninja the X10R which I saw in the evening yesterday, parked right here at the new lighthouse restaurant. Nice. ये एक और कोई बाइक लग रही है, हालांकि स्पोक व्हील है इसमें, एंड ये इसका एग्जॉस्ट इस तरफ है, तो इसका मतलब इट्स अ ट्विन एग्जॉस्ट बाइक। ये या तो शायद रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल GT कोई एक होगी, मे बी। हमारा आज का है फिश, पूरी की पूरी फिश को फ्राई करके पीस करके यहाँ पर दे दिया गया है, बढ़िया से मैट, बढ़िया से प्याज से सजा के। टू गुड, अंडे से पोर्ट किया है, मस्त गाइस, मस्त अमेजिंग। तो गाइस हमारी तंदूरी रोटी और हमारा प्रॉन मसाला भी आ गया, एवरीथिंग टुडे दैट वी ईटन, the fish and the prawn masala and the tandoori roti, everything is top notch, matlab taste ke mamle mein 10 out of 10। So guys the new lighthouse restaurant in Port Blair, a must visit if you're staying here for a day, and have a meal over here and try and come, you know, empty stomach, full of hunger, appetite leke aana apna। न्यू हाइट लाइट आउट रेस्टोरेंट से बाहर निकल के अभी हम आ गए हैं एक एम्पोरियम में, सागरिका एम्पोरियम। वैसे हैंडलूम्स वगैरह के लिए हमने सुना है कि जो हैवलॉक के एम्पोरियम से वो ज़्यादा अच्छे हैं। मोस्टली वी विल ओनली डू विंडो शॉपिंग। पूरा बकरे से बनवाया है, गाइस देखो अभी हम कहाँ से निकले हैं बाहर, वी आर राइट नाउ आउटसाइड द मक्रूज प्री फ्लाइंग एक्सीलेंस के ऑफिस के बाहर से आए, ऑफिस से निकले हैं, बिकॉज एक पोपट हो गई थी हमारे साथ। हुआ ये था कि परसों मैं बैठा हुआ, जब कल रात को जब मैं बैठा हुआ था, तो हम लोग का पहले प्लान हो रहा था कि 21 को हम हैवलॉक ना जाके क्यों ना हम नील चले और नील से हैवलॉक जाएंगे। तो उस चक्कर में मैंने कैंसलेशन का पॉलिसी चेक करने के लिए मैंने टिकट का PNR डाला मक्रूज़ की वेबसाइट में, टिकट्स की डिटेल आई और मैंने कैंसलेशन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी। आई वाज होपिंग कि रिक्वेस्ट सबमिट की है तो दे विल जस्ट यू नो गिव मी अ मेल आएगा, जैसे हर जगह होता है कि भाई आप कैंसिल कराना चाहते हो, इतना आपका रिफंड होगा, इतना आपका कटेगा, डू यू वॉन्ट टू कैंसिल इट टू कन्फर्म इट और नॉट, दे आस्क इट जनरली, बट दे डिडंट आस्क एंड उन्होंने सबमिट कर दी रिक्वेस्ट, एंड एक दो तीन घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा यार एनीवेज जब भी रिप्लाई आएगा तो दे विल आस्क मी टू कंफर्म द कैंसिलेशन, बट अभी आधा घंटा पहले सडनली मेरे पास मेल आया कि टिकट कैंसिल हो गई है, और हम दोनों के होश उड़ गए। तो मैं ऑलमोस्ट मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि भैया आप तो पैसे गए, अब दोबारा टिकट करानी पड़ेगी कहीं और, बट ये जो हमारी बीवी साहिबा हैं ये पैसे के मामले में भाई साहब
इन्होंने उसी समय मेरे से कॉल करवाया मैक्रूज के ऑफिस, बोला कि भैया ऐसा बोलो कि गलती से कैंसिल हो गई है, और मैं करने को तैयार भी नहीं था, खुद से बात कर ली और हमने बोला कि भाई टिकट गलती से कैंसिल हो गई है, वी डोंट वांट टू कैंसिल इट, प्लीज़ रिवर्स कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आप ऑफिस आ जाइए। गुड थिंग इज़ कि ऑफिस बगल में ही है, पोर्ट ब्लेयर छोटा सा शहर है। तो हम ऑफिस आए, इवन मैक्रूज यू नो हैट्स ऑफ टू देम, दे आर क्वाइट प्रोफेशनल इन दैट सेंस, उन्होंने प्रॉब्लम समझी हमारी एंड उनको भी फ़ायदा था बिकॉज इस केस में उन्हें मुझे कुछ रिफंड करना होता, 50%, हाँ 50% रिफंड करना पड़ता है। 24 आवर्स से पहले अगर आप करोगे तो 50% रिफंड है, उससे पहले करोगे तो फुल रिफंड है, एंड अगर 24 आवर्स हो गए, लास्ट 24 आवर्स में करोगे तो कोई रिफंड नहीं है। तो उन्होंने टाइम लिया, दे टुक 15-20 मिनट्स, उन्होंने हमारी जो कैंसिलेशन रिवर्स कर दी, नाउ आर टिकट स्टेज वैलिड, तो वी कैन ट्रैवल इन दैट टिकट टू हैव लक टुमारो। दीपक इज सो स्मार्ट कि ये सोच रहा था कि ये नया टिकट खरीदेगा अभी। मुझे लगा यार कौन इनके साथ सर पड़े, कौन इनसे बात करे, कौन रिक्वेस्ट करे, बट काफ़ी आसानी से मान गए ये लोग। सो गाइस टाइम हो गया 3:30 एंड हम लोग अभी रूम से निकले हैं आफ्टर अ शॉर्ट नैप, आफ्टरनून नैप ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पे वेदर थोड़ा सा हल्का सा यू नो हॉट एंड ह्यूमिड तो है, तो या कंटिन्यूसली इफ़ यू स्ट्रेच इट फॉर द एंटायर डे इट बिकम्स अ लॉट टायरिंग। सो हमने प्लान किया कि थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, हमने रेस्ट किया और अब हम निकले हैं फॉर आर सनसेट राइड दैट इज़ टू चिड़िया टापू, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 13-14 किलोमीटर है। तो या मैंने सुना कि रोड काफ़ी अच्छी है, तो वंदना भाई रिकॉर्डिंग कर लेना अच्छे से, मैं चला रही हूँ, चलो पीछे बैठो खटो। तो बंदू चलाएगी अभी, देखते हैं अभी यहाँ से इसको रखते हैं। अब ब्रेक, बंदू ब्रेक बहुत वीक है इसका, एक दिन मैंने तो इसको गेट यूज टू किया, अब तुम इसको चलाओगी तुम पता नहीं कब तक यूज टू हो जाओगी इसके। गाइस हम लोग ये मुंडा पहाड़ बीच में एंट्री हो गई है एंड आई डोंट नो यहाँ पे क्यों है, नहीं नहीं भाई थैंक यू है कैमरा है। तो हम यहाँ पे 4:30 एग्जिट है, 4:30 बंद हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट लुक एट दिस गाइस, ये जगह काफ़ी सुंदर बनाई हुई है ना, इसी लवली लिटिल सिटिंग एरियाज विद हिज वुडन लॉग्स एंड बीच में ना फोटो के लिए काफ़ी अमेजिंग स्पॉट्स हैं, यहाँ पे लेंगे ना यहाँ पे। ओ यार देखो पेड़ कितने बड़े बड़े हैं यार, इंस्टाग्राम वर्दी, इधर बैठो इस तरफ। हाँ तो वो कैमरा निकालता हूँ। मुंडा बीच से निकल रहे हैं, लवली इंस्टाग्रामेबल फोटो स्पॉट्स, कुछ स्पॉट्स तो बहुत ही अच्छे हैं बिकॉज दिस ह्यूज लॉग्स ऑफ ट्रीज यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी खींची हैं, बट अब यहाँ से निकलना है फटाफट और चिड़िया टॉप पीछे की तरफ जहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अमेजिंग आता है हर्ड, तो वहाँ निकलना है, वो मिस नहीं करना। चलो चलो पहुँच चुके हैं चिड़िया टापू बीच पे एंड यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी दैट इज़ द सनसेट स्पॉट ओवर देयर, तो हम लोग एक अच्छे से स्पॉट ढूंढते हैं, गोप्रो को लगाना है टाइम लैप्स पे। हाँ तेरे चश्मे में बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ तो अच्छी है, फिर भी अच्छी दिख रही है तो। तो मैं गोप्रो का अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के सनसेट पे लगा देता हूँ इसको टाइम लैप्स पे, एंड देन वी कैन क्लिक ऑल फोटोग्राफ्स ओवर समवेयर।
सा क्लाउड्स और साथ देते तो और ही अमेजिंग हो सकता था, बट देन वी हैड लवली टाइम। बैठे गप्पे हमारी की है हमने, जैसे बड़ी बोल रही थी ये चप्पल अच्छी है, ये अच्छी है, पानी है तो पिछली बार चार लिया था बाली के टाइम पे, 4 साल हो गए तो अभी ले लेना है चप्पल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं है वो आगे है। तो गाइस डिनर के लिए हम लोग फिर से आ गए हैं दी नगर पालिका फूड कोर्ट। एक्चुअली वी वॉन्टेड टू ईट समथिंग यू नो स्ट्रीट काइंड। यहाँ पे गांधी पार्क के बगल में हमें पता चला था कि एक फूड कोर्ट है, बट वो बहुत ही बेकार लगा हमें देखने में भी, हाइजीन वाइज भी। तो कल की तरह आज हम फिर से यहीं पे आ गए हैं। कल हमने बिस्ट का मोमो ट्राई किया था, आज हम ट्राई करेंगे टिबेटन फास्ट फूड। स्पेशल की स्पिनिंग जिन्होंने कर लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई, एंड आज हमने टिबेटन फास्ट फूड वाला जो स्टॉल है उसके मोमोज ट्राई किए, बहुत चिकन एंड वेज। वेज मोमोज वंदना सेज आर मच बेटर देन बेस्ट वाला, बट बेटर नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। एंड नॉन वेज में आई फाउंड हार्डली एनी डिफरेंस। द ओनली थिंग वॉज बेस्ट मोमो के जो वो थे, एक वाइट कलर की चटनी उसने दी थी, आई डोंट नो व्हाट चटनी वॉज दैट, मेयोनीज टाइप था, इट वॉज स्वीट एंड फॉर अ चेंज आई लाइक्ड इट। चिकन बाइट वहाँ से एक चिकन बर्गर ऑर्डर किया, मोर और लेस KFC को कॉपी करने की कोशिश की गई थी, इट वॉज़ अ गुड अटैम्प्ट। ब्रेड थोड़ा सॉफ्ट था, अंदर का चिकन क्रिस्पी था, जो हॉट एंड क्रिस्पी जो होता है KFC का वो ही था उसके अंदर KFC का। एंड फ्रेंच फ्राइज आर ऑल्सो गुड, एंड एक कोक हमने लिया। एंड उसके बगल में बाद हमने खाया बिस्ट मोमो का, बिस्ट वाले का वो हक्का नूडल्स, वेज हक्का नूडल्स, विच इज़ ऑल्सो अगेन गुड। क्या हुआ बताओ, मतलब ना पूरा कोल्ड ड्रिंक पी डाला, अच्छा लगा मुझे, कोई टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं लगा, बट एंड में वंदना ने देखा कि ग्लास बहुत ज़्यादा गंदा था जिसमें कोल्ड ड्रिंक हमें दी थी। तो यार 1 नेगेटिव मार्क्स, चिकन बाइट 1 नेगेटिव मार्क, माइनस में चले गया उसका सब कुछ। हाँ मतलब फंगस लगा था ग्लास के अंदर, पेट में गया होगा आपके। क्या ये देखो वंदना की मेहनत, अब ये सारे यहाँ दान करके जाने पड़ेंगे वंदना को, बट लुक एट देम हाउ ब्यूटीफुल दे आर, है ना वंजू, सब छोड़नी पड़ेगी ना। बट मोती तो मैंने खरीदी है, ये तो हमने खरीद लिया गाइस, कल मैंने आपको दिखाया था, यू कैन बाय दीज, यू कैन डू दिस शॉपिंग फ्रॉम हियर अंडमान, आई बिलीव इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस, है ना। आई वांट वन मोर, ओके वी विल टेक इट।